आज हम बनाएंगे आलू के सीख कबाब। इतने मज़े के कि आप इनको खाएंगे तो चिकन और मीट के कबाब को भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बिल्कुल इजी रेसिपी और मज़ेदार रेसिपी आज आपके लिए लेके आ चुकी हूँ, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी मज़े की बनती है कि बच्चे हो या बड़े दोनों ही शौक से खाते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आलू। तो मैंने यहाँ पर 7-8 बॉयल्ड आलू लिए थे, जिनको मैंने इस तरीके से कद्दूकस की हेल्प से ग्रेट कर लिया है। आलूओं को आपने 80% बॉयल करना है, ठीक है, ज़्यादा आपने इनको बॉयल नहीं कर देना। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, जो कि कुछ यूँ है: 2 टीस्पून भरकर चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो इन सब मसालों को अच्छे तरीके से बाउल में डाल देंगे और देन उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली थी और उनको मैंने अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लिया था, वो भी अब हम इसमें शामिल कर देंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें इस तरीके से बारीक कटी हुई, बिल्कुल 2-3 हरी मिर्चें इसमें जाएगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तली हुई प्याज, यहाँ पर मैं छोटी प्याली इसमें डाल दूँगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे खूब सारा हरा धनिया बारीक सा कटा हुआ। देन हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ब्रेड क्रम्स और अब हम सब मसालों को अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्स। अभी से इसकी खुशबुएं आना स्टार्ट हो चुकी हैं, जब आप इसको बनाएंगे तो यकीनन ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो मसाले आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगे। जैसे आटे को गूंदते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हाथों की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से मसल मसल कर हम इस तरीके से बिल्कुल समोसा तैयार कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को कर दें प्रेस, क्योंकि आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पर मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज। तो ये देखें हमारी डो बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट सॉफ्ट सी तैयार हो चुकी है। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए चावलों का आटा। ये चावलों का आटा है, इसमें से तकरीबन मैं सिर्फ 3 या 4 टीस्पून ही इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से मज़ीद 1-2 मिनट के लिए गूंद लेंगे। तो ये देखें बिल्कुल डो की शेप में अच्छे तरीके से हमारा कबाबों का मसाला तैयार हो चुका है। चलें अब हम इनको कबाबों की शेप देते हैं। इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे और इसका इस तरीके से बॉल बना लेंगे, देन उसके बाद सीख लेंगे और इसके बीचों बीच इस तरीके से डाल देंगे और इसको सीख कबाब की शेप दे देंगे। इस तरीके से हाथों की हेल्प से इसको थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे और इसको थोड़ा सा लंबाई में इस तरीके से करते जाएंगे जैसे सीख कबाब होता है, बिल्कुल वैसे ही। और फिंगर की हेल्प से इस तरीके से इसके ऊपर निशान लगा लेंगे ताकि हमारा जो सीख कबाब है वो थोड़ा सा फैंसी और प्यारा प्यारा नज़र आए। तो ये देखें ये सीख कबाब बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। चलें अब हम सीख को आराम से बाहर की तरफ निकाल लेंगे, ये देखें इस तरीके से। बाकियों को भी इस तरीके से कर लेंगे, फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो सारे कबाब मैंने बना लिए थे, चलें अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। हमने इनको शेलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। थोड़ा सा जस्ट कुकिंग ऑयल डाल दिया है, कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें कबाब को डाल देंगे इस तरीके से। फ्लेम हमने हाई रखी है, जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। एक साइड से ये बिल्कुल पक चुके हैं, चलें अब हम इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं और फ्लेम को भी मीडियम कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें एक साइड से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चलें अब हम इनको दूसरी साइड से भी 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं।
तो कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चले अब हम इनको निकाल लेते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। इनको फ्राई करते वक्त इतनी खतरनाक खुशबू आ रही थी कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं। आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आप बनाएंगे तो चिकन के कबाब को भूल जाएंगे। ये थी आज की रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरे रेसिपीज को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज़।